तो बच्चों आपने देखा ना, किचन क्लीन हुआ, रूम सारे क्लीन हो गए, उसके बाद बारी आती है ड्राइंग रूम की सफाई की। चलते हैं ड्राइंग रूम को देख लेते हैं। हॉल की सफाई करने से पहले सबसे पहले नजर जाती है सोफे पर। अब सोफे की सफाई हो गई तो बहुत बढ़िया, पहले या तो हम साल भर में या दो चार साल में कपड़ा चेंज करते हैं या ड्राई क्लीन करवाते हैं। इस बार ना तो मैं ड्राई क्लीन करवा रही हूँ ना ही कोई कपड़ा उसका चेंज कर रही हूँ। कार्विंग वाले सोफे हैं क्योंकि इनके ऊपर कपड़ा लगा हुआ है काफी अच्छा सा, तो मैं इसे साफ कर रही हूँ डेलिकेट तरीके से, जैसे बच्चों का जो शैम्पू होता है ना उससे साफ कर रही हूँ। पानी नॉर्मल ले लिया है, शैम्पू डाल दिया है और थोड़ा नींबू का रस डाल दिया है। बस इस तीनों चीजों को डालकर मैं साफ करूंगी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है सोफे को हम कैसे साफ करें, सोफे का कपड़ा कैसा है। तो ये हार्ड वाला पार्ट तो मैं ले नहीं सकती, मैंने लिया स्पॉन्ज, जो सिंपल वाला स्पॉन्ज, वो भी ध्यान रहे आप देखें कहीं उसका कलर ना जाए। तो यहाँ पर इसे डुबो डुबो कर और इस तरीके से स्क्वीज करते हुए जो झाग है ना, बस झाग से ही मुझे इस पूरे सोफे को क्लीन करना है। यकीन माने मैंने पहले भी कभी किया है और सोफा बहुत ही बढ़िया क्लीन हो जाता है। इससे क्या होता है कि पूरी जो डस्ट है अंदर से निकल जाती है। या तो हमारे पास होने चाहिए वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर ना हो तो इस तरीके से हम अच्छे से सफाई कर सकते हैं। दोनों हाथों से रब करते हुए सब तरफ से इसे इस तरीके से घिसते जाइए जिससे इसकी एक्स्ट्रा जो डस्ट है वो निकलती जाए। जब इस तरीके से आपने वॉश कर लिया, अब आप लीजिए सादा पानी और एक नैपकिन ले लीजिए वाइट कलर का। नैपकिन से आप डुबो डुबो के गीला करके इसके ऊपर पोंछते जाइए। जैसे जैसे ये सोफा धीरे धीरे पोंछते जाएंगे और ये जब सूखता जाएगा ये शाइन मारेगा। फैन चला लीजिए या फिर पॉसिबल हो तो धूप में रख दीजिए। गीले सोफे पर किसी को बैठने नहीं दीजिए, इस बात का खास ख्याल रखें जब तक ये सूखे ना। हो सकता है आपको पूरा दिन लग जाए इसे सुखाने में। अब बारी आती है जो ये साइड में कार्विंग होती है उसे कैसे साफ करें। इसके लिए मैंने पतला सा कपड़ा लिया है जो मलमल का होता है और एक कोई भी स्टिक या टूथब्रश डालकर इसे क्लीन कर लीजिए जिससे अंदर की पूरी मिट्टी साफ हो जाए। जब ये क्लीन हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब जब साफ हो गया है, मैं नेक्स्ट डे इसकी सफाई कर रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे याद आया कि इसके ऊपर मैं कपड़ा डाल दूँ, कपड़ा या चादर कोई डाल दूं जिससे इसके ऊपर अब कोई डस्ट ना आए। अब बारी आती है खिड़कियों की। खिड़कियों की हम सफाई कैसे करें। खिड़कियों के लिए मैंने लिया एक स्पॉन्ज, उसे इस तरीके से कट किया जैसे खिड़कियां होती हैं। इस तरीके से इसलिए कट किया है जैसे हम मैं जैसे ही घिसूं इसको तो पूरी की पूरी डस्ट निकल जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डस्ट इसी में होती है। तो अब मैं चलती हूँ, कुशन के कवर भी हटाती हूँ। ये जो सेंट्रल टेबल है वहाँ पर भी काफ़ी सामान है नीचे से, उसे मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ इसका सारा सामान निकाल के इसकी सफाई करके मैं थोड़ी इसको अलग डेकोरेशन दूंगी। तो इसका सारा सामान मैं एक डलिया में रखती जा रही हूँ जिससे इसकी सफाई भी हो सके अच्छे से। अब धीरे धीरे सारी क्लीनिंग होती चली जा रही है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जो जो आपका सामान साफ होता जाए ना उसके ऊपर कपड़ा डालते जाइए जिससे हम बाद में फाइनल जब हटाएंगे ना चादरें तो हर चीज़ हमें साफ मिलेगी। मैं ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ सकती थी लेकिन मैंने नहीं की है ऊपर छत की सफाई, मैंने मेरे जो घर में रहता है छोटू उसी से ही सफाई करवाई है। वहाँ भी मैंने इसी सॉल्यूशन से सफाई की है क्योंकि ऊपर भी सनमाइका लगा हुआ है, पहले गीले से फिर साफ से करती जा रही हूँ। यहाँ प्लांट्स हैं उनकी भी मैं सफाई कर रही हूँ, जो भी आइटम रखे हुए हैं उनको मैं बहुत बारीकी से सफाई कर रही हूँ। बस थोड़ा पोर्शन ही बाकी है, अब उसमें क्या क्या है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए मैंने कमरों की सफाई तो कर ली थी लेकिन कमरों को फाइनल टच नहीं दिया था। आज मैंने सब गद्दे अंदर डाल दिए हैं और उनको फाइनल टच दिया है। वार्डरोब्स चेक कर लिए हैं, जो पलंग के नीचे जो सामान होता है उनको भी चेक कर लिया है। अब चलते हैं हॉल की तरफ। तो बच्चों अभी हॉल की ऑलमोस्ट सफाई हो गई है, अब रह गया है सिर्फ बाहर का पोर्शन। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी, तो चलिए मैं मिलवाती हूँ अपनी फैमिली से। यहाँ देखिए ये फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं जिसमें हमारी स्वीट मेमोरीज हैं। मेरी शादी से लेके इसमें बच्चों की शादी हो गई सभी के फोटोज हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ी बारीकी से मैं उन्हें देखती हूँ और साफ कपड़े से जब मन करता है उनकी सफाई करती रहती हूँ। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और दो मेरी बेटियां हैं। बड़ी बेटी दामाद मेरे बॉम्बे में रहते हैं, छोटी बेटी, छोटे दामाद US में रहते हैं। बड़ी बेटी का बेटा है जिसकी बर्थडे के बहुत सारे फोटोज़ हैं। मैं जब भी टाइम मिलता है इन फोटोज़ को साफ करती हूँ और पुरानी यादों को याद करती हूँ। कैसी लगी मेरी फैमिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलते हैं बच्चों मेन डोर की तरफ, वहाँ की भी सफाई होना बाकी है।
उसे भी मैंने कैसे साफ़ किया है। मेन तो मैंने जो वो वाइपर बनाया था उसी को ही काफ़ी यूज़ किया है, उसका नैपकिन भी बदल दिया है, दूसरा नैपकिन भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही है। बाहर के एरिए में वैसे भी सफाई कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। तो इस तरीके से कुल मिला के पूरे घर की सफाई हो चुकी है। अगर मेरे वीडियो से आपके घर की सफाई में कुछ हेल्प हुई हो या आपको कुछ ट्रिक्स पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।